हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी है। 44,228 पदों पर ये वैकेंसी आई है। सबसे अच्छी बात क्या है, परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट भर्ती होगी। और यहाँ पर जो है, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप अपने राज्य में यदि जॉब करना चाहते हैं तो अपने राज्य में कर सकते हैं, यदि आप दूसरे राज्य में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। सैलरी के साथ में इसमें पेंशन, महंगाई भत्ता और इसके अलावा भी जो है सरकार की तरफ से जो अलाउंसेस होते हैं वो मिलने वाले हैं। आयु इसमें 18 से 40 वर्ष रखी गई है और आयु सीमा में छूट कैटेगरी वाइज बिल्कुल मिलेगी। फीस भी ज़्यादा नहीं है, जनरल कैटेगरी की फ़ीस मात्र 100 रुपये है। अन्य कैटेगरी को जैसे आयु सीमा में छूट है, ऐसे ही जो है इसमें फ़ीस में छूट दी जाएगी, यानी कोई फीस नहीं लग रही है। योग्यता की यदि हम बात करें तो योग्यता केवल केवल 10वीं पास, यानी मिनिमम जो है 10th पास आप होने चाहिए। बाकी जो है नोटिफिकेशन में चेक करेंगे कैसे जो है इसमें सिलेक्शन रहेगा और फॉर्म अप्लाई जो है वो कब से हो रहे हैं, लास्ट डेट कब से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल जो है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। 15 जुलाई से जो है आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ही, GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। नंबर ऑफ पोस्ट देखें, काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है, 44,228। इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ से भारतीय डाक की तरफ से वैकेंसी है। नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, इसमें आपको विज्ञापन पूरा देखना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे पहले पूरा पढ़ेंगे। बाकी जो है इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सर्कल वाइज पोस्ट जो है कितनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सर्कल नेम, ये लैंग्वेज नेम, यानी आप जिस सर्कल में आएंगे वो आपको भाषा जहाँ जो लोकल लैंग्वेज आपकी चल रही है उसमें वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, UR में, OBC में, SC ST, EWS, PWD A और B के अंतर्गत। जैसे कि आंध्र प्रदेश के आप रहने वाले हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, ये आपको आनी चाहिए। यदि आप तेलुगु नहीं जानते हैं, 10th तक जो है 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट है उसमें आपने तेलुगु भाषा बिल्कुल पढ़ी हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो हिंदी इंग्लिश तो सभी ने पढ़ी होती है। जैसे कि बिहार राज्य है तो इसमें लोकल लैंग्वेज हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, दिल्ली में हिंदी है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ठीक है, इसमें हिंदी लैंग्वेज है। और भी आप देख सकते हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। उसके बाद जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर भी जो है हिंदी भाषा है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी भाषा है। मेरा कहने का मतलब है कि 10th सर्टिफिकेट में आपने हिंदी भाषा पढ़ी हो, आपको बोलनी भी आनी चाहिए, ठीक है। आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने राज्य में कर सकते हैं, जिस सर्कल के अंतर्गत आप आ रहे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन 10th में आपका मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। आपके 10th के सर्टिफिकेट में ये दो सब्जेक्ट होने चाहिए और ये भाषा जो है आपने बोलनी पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है वो आप नीचे देखें, जैसे अनरिजर्व में 19,862 है, बाकी जो है आप देखें आगे कैटेगरी वाइज कितनी है, ये पूरा जो है आप देख सकते हैं। आप चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से स्टार्ट है, 5 अगस्त लास्ट डेट है, अंतिम तिथि ध्यान में रखनी है। कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए भी जो है इन्होंने डेट दे दी है, 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, GDS, ब्रांच पोस्ट मास्टर VPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर AVVPM या डाक सेवक, ठीक है। ये पोस्ट हैं, ये जो पोस्ट है इसमें सैलरी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, इसके अलावा जो है आप लोग इसमें और भी जो है कमा सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर रेजिडेंस की जो सुविधा है,
इसमें अलग अलग पोस्ट में, जैसे डाक सेवक है, पोस्ट मास्टर है, इनको दी गई है। अभी सैलरी जो है इसमें लिख रहे हैं कि VPM की जो सैलरी है 12,000 से लेकर 29,380 तक, और AVVPM डाक सेवक की 10,000 से लेकर 24,470 तक। इसके अलावा जो है इसमें अलावेंसेस जो है मिलेंगे, महंगाई भत्ता जो है वो मिलेगा, और पेंशन जो न्यू पेंशन स्कीम है इसके तहत पेंशन की सुविधा भी इसमें रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से समय समय पर जो अन्य भत्ते हैं वो भी जो है इसमें मिलने वाले हैं, तो सैलरी जो है आपकी और भी अधिक जाएगी। इसके अलावा भी अलग से अगर आप कमाना चाहें तो इसमें कमा सकते हैं। सरकारी नौकरी है, परमानेंट वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है, और इसमें अपर एज लिमिट में जो छूट है 5 साल की SC ST को, OBC को 3 साल की है, EWS को कोई छूट नहीं है, यानी जो उनकी एज है वो 40 वर्ष तक होनी चाहिए। PWD की सामान्य में 10 साल है, OBC में इसमें 13 साल है, और PWD SC ST के लिए 15 साल की छूट है। क्वालिफिकेशन जो है मैंने आपको बता दिया कि केवल 10वीं आपकी होनी चाहिए, कम से कम 10वीं आपने पढ़ी हो, 10th की मार्कशीट में ये दो सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट के तौर पे आपने पढ़े हो, और जिस सर्कल में आप अप्लाई करेंगे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जा रही है, क्योंकि अगर अन्य भाषा आपको नहीं आती है, जहाँ जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर दें। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी जो है वैकेंसी है, 44,000 अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है, तो इसमें अप्लाई आपको करना ही चाहिए। बाकी अदर क्वालिफिकेशन में जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, बाकी जो है कंप्यूटर चलाना, साइकिलिंग चलाना, ठीक है, ये सारी। नेक्स्ट जो है इसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो पूरा प्रोसेस जो है आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। स्टेज टू में आप अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन है। फीस पेमेंट क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, फीस जो है वो ज़्यादा नहीं है। फीस जो है वो मात्र 100 रुपये ही है, यहीं पर आपको दिख जाएगा। 36 पेजों की ये PDF फाइल है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा ही पढ़ना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप कहीं पर भी फॉर्म अप्लाई करते हैं खुद से पढ़ें। जो मोटी मोटी बातें होती हैं वो तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताती ही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ फीस, तो जो है केवल 100 रुपये है, 100 रुपये फीस है इसमें, और इसमें जो है छूट है किनको, ऑल फीमेल एप्लीकेंट, SC ST एप्लीकेंट, PWD एप्लीकेंट एंड ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट, ठीक है, इनको छूट है। तो ज़्यादा फीस भी नहीं है वैसे, बाकी महिलाओं को SC ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी को तो कोई फीस नहीं देनी है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें यदि आप अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन केवल 10वीं मांगी गई है। आपने मैथ्स और इंग्लिश जो है 10th में पढ़ी हो, और मुझे लगता है सभी ने इंग्लिश मैथ्स पढ़ी होती है, और लोकल लैंग्वेज जो है जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहेंगे, लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको वहाँ की आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है आप देख लें, जैसे हिंदी भाषा जो है आपको आती है और आपके जो सर्कल में वैकेंसी कम है, जैसे दिल्ली में यहाँ पर जो है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो इसमें कम है, 5 ही वैकेंसी हैं, ठीक है। तो आप आसपास के दूसरे राज्यों में देख लें जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हो, तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल किसी भी राज्य के आप कैंडिडेट हैं, आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने राज्य में नौकरी करना चाहें या दूसरे राज्य में नौकरी करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी, और ये बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी इस बार आई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारतीय डाक, 44,228। आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पूरा चेक कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन जो है कर लेंगे, फिर अप्लाई ऑनलाइन, फीस पेमेंट, ठीक है। तो चलिए
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।